So once again, welcome back to your own study point that is Life Science Academy Bhilai. I am Akram. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस. तो देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं. तो स्टडी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट था इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस. जोसेफ एस कॉनल नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था इसको. द इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस सजेस्टेड दैट लोकल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज मैक्सिमाइज्ड. तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होती है मैक्सिमम होती है व्हेन डिस्टर्बेंस जो होता है बहुत ज्यादा नहीं होगा या बहुत ज्यादा कम नहीं होगा. मीन्स मीडियम रेंज जो होगा वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी. तो इसको हम समझते हैं ग्राफ के थ्रू. तो आइडियाज को हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं. वाई एक्सिस पे हमने डाइवर्सिटी ली है और एक्स में हमने डिस्टर्बेंस लिया है. स्टार्टिंग में देखेंगे एट लो लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस कॉम्पिटिटिव डोमिनेंट एक्सक्लूड अदर स्पीसीज. यहाँ पर जो डोमिनेंट स्पीसीज हैं वो दूसरी स्पीसीज को हटा देंगी. सेकेंड स्टेप में देखेंगे एट इंटरमीडिएट लेवल डिस्टर्बेंस अ मिक्सचर ऑफ स्पीसीज को एग्जिस्ट. मीन्स अगर वहां पर डिस्टर्बेंस का लेवल मीडियम है इंटरमीडिएट है तो वहां पर स्पीसीज को एग्जिस्ट कर सकती हैं. एंड एट हाई लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस ओनली मोस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस स्पीसीज विल सर्वाइव. ऐसा क्यों? एक कॉमन थिंकिंग की बात कर सकते हैं हम. कॉमन थिंकिंग में अगर हम सोचें तो अगर कोई एनवायरमेंट बहुत ज्यादा हॉट या कोल्ड है तो जो स्पीसीज वहां सर्वाइव कर सकती हैं, जो अपने आप को अडेप्ट कर चुकी हैं, वो स्पीसीज वहां पर आसानी सर्वाइव करेंगी और बाकी एक्सक्लूड हो जाएंगी, वहां से हट जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. इंटरमीडिएट में देखेंगे तो यहाँ पर जो एनवायरमेंट है थोड़ा चेंज होता रहता है. एनवायरमेंट में चेंज होगा तो वो एनवायरमेंट ज्यादा स्पीसीज को सपोर्ट कर सकता है और सपोर्ट करने की वजह से यहाँ पर स्पीसीज के नंबर हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं. एट हाई लेवल डिस्टर्बेंस ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा तो भी जो स्पीसीज सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेड है वही स्पीसीज यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगी. तो इस तरीके से इंटरमीडिएट लेवल पर स्पीसीज के नंबर ज्यादा देखने को मिलते हैं. तो देखिए एट हाई रिस्क ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर. जैसे जंगल में लगातार आग लगती है तो ऐसे फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इनकी वजह से स्पीसीज जो होती हैं लगातार एक्सटिंक्शन के रिस्क पे रहती हैं. क्योंकि फायर लगेगा तो उसकी वजह से स्पीसीज जल के पूरी खत्म हो जाएंगी और डिफॉरेस्टेशन की वजह से स्पीसीज खत्म होती जाती हैं. अकॉर्डिंग टू IDH थ्योरी इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस डाइवर्सिटी इज मैक्सिमाइज्ड बिकॉज स्पीसीज दैट थ्राइव एट बोथ अर्ली एंड लेट सक्सेशन. तो हमने ग्राफ में जो देखा था कि मीडियम रेंज में जो डिस्टर्बेंस है वहां पर अर्ली एंड लेट दो टाइप की सक्सेशन स्पीसीज हमको देखने को मिलेंगी और इसी वजह से स्पीसीज के ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं. IDH इज नॉन इक्विलिब्रियम. ये हमेशा कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं होता है. एंड मॉडल टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टर्बेंस एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी. इस मॉडल को डिस्टर्बेंस और उसके अकॉर्डिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसी है इसको बताने के लिए यूज किया जाता है. IDH बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रीमाइसेस किस कंडीशन में ये अप्लाई होता है. तो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हैव मेजर इंपैक्ट ऑन स्पीसीज रिचनेस विद एरिया ऑफ डिस्टर्बेंस. इनका जो इंपैक्ट है इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वो रिलेटेड रहेगा नंबर ऑफ स्पीसीज से, कितनी इसमें रिचनेस है या नहीं है उससे. इंटर स्पीसीज कॉम्पिटिशन रिजल्ट फ्रॉम वन स्पीसीज लीविंग द कॉम्पिटिटर एक्सटिंक्ट. अब कॉम्पिटिशन जब आएगा तो कोई स्पीसीज जो कि डोमिनेंट है रिसोर्सेज के लिए वो फाइट करके दूसरे सारी चीजें ले लेंगी और जो स्पीसीज लगातार डिफीट होती जा रही है वो स्पीसीज वहां से लगातार हटती जाएगी. तो जो स्पीसीज विन करेगी वो लगातार डोमिनेंट होती जाएगी और जो स्पीसीज डिफीट होती जाएगी वहां से हटती जाएगी. इस तरीके से ये रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा. मॉडरेट इकोलॉजी स्केल डिस्टर्बेंस प्रिवेंट इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. जबकि मीडियम रेंज की बात करें जहां पर मिड रेंज का डिस्टर्बेंस है वहां पर सभी के लिए जो एनवायरमेंट है और जो रिसोर्सेज है वो प्रेजेंट रहेंगे. इसी की वजह से क्या होगा, कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर कम होगा और स्पीसीज ज्यादा देखने को मिलेंगी. नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी. तो कम्युनिटी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एनालिटिकल हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं. अगर एनालिटिकल है तो वो क्वालिटेटिव हो सकता है जो कि डिफिकल्ट है मेजर करने के लिए. अब क्वालिटेटिव में देखें तो स्ट्रेटिफिकेशन, फिजियोग्नोमी, पीरियोडिसिटी, वाइटलिटी और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है. तो कैरेक्टर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव हो सकता है. क्वांटिटेटिव की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, बायोमास, अबंडर जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो इस तरीके से दो टाइप के कैरेक्टर हमको देखने को मिलते हैं. स्ट्रेटिफिकेशन, किसी भी ट्री की हम बात करेंगे फॉरेस्ट में तो वहां पर हाइट या कैनोपी के बेसिस में जो लेयर्स का फॉर्मेशन, जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा कि फॉरेस्ट के जो ग्राउंड लेवल है वहां पर काफी सारे छोटे छोटे ट्रीज हैं क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट जो है कम होती है, इसी की वजह से ये नीचे रह सकते हैं. जिनको थोड़ी ज्यादा लाइट चाहिए कैनोपी थोड़ी बड़ी हो जाती है और जिनको सबसे ज्यादा लाइट चाहिए इस तरीके से उनकी कैनोपी काफी फैली हुई होती है ताकि मैक्सिमम लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सकें. तो इस तरीके से ये जो लेयर्स का है फॉर्मेशन होता है इसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं. वाइटलिटी, कंडीशन ऑफ एनी प्लांट और एनिमल
कैपेसिटी टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, किसी भी प्लांट या एनिमल की कैपेसिटी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने, किसको हम वाइटलिटी कहेंगे। विगर जो है वो हेल्थ कंडीशन को बताता है कि डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ किसी भी सर्टेन एज में, इसका हम विगर कहते हैं। पेरियोडिसिटी में सीजनल चेंजेस जो भी हमको देखने को मिलेंगे। फिनोलॉजी, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइम एंड डेट ऑफ इवेंट। जैसे हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जर्मिनेशन, उसके बाद वेजिटेटिव ग्रोथ, देन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, तो ये जो चेंजेस हैं कंटिन्यू एक के बाद एक चलते रहते हैं ओवर द टाइम, इसको हम कहेंगे फिनोलॉजी। एस्पेक्शन, एस्पेक्शन मीन्स जो भी हमको अपीयरेंस नजर आ रहा है डिफरेंट सीजन में। अगर सपोज कोई प्लांट है और वो फ्लावरिंग जो है अगर समर टाइम पे करता है, तो हम देखेंगे कि उसमें जो फ्लावरिंग है वो विंटर के सीजन में हो गई है, या कोई प्लांट विंटर में फ्लावरिंग करता है और समर में उसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो कम्प्लीटली जो सब कैरेक्टर है वो हमको डिफरेंट सीजन में दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे कैरेक्टर को हम एस्पेक्शन कहेंगे। फिजियोग्नोमी, जजमेंट या इवेल्युएशन कैरेक्टर्स का, हम किसी भी एनिमल या प्लांट को देखें और अपीयरेंस के बेसिस में हम जो भी जजमेंट कर रहे हैं उस कैरेक्टर्स का, तो उसको हम कहेंगे फिजियोग्नोमी। लाइफ फॉर्म्स, जो कि क्रिस्टन सी रॉन्कियर ने दिया था 1904 में, उन्होंने लाइफ फॉर्म्स दिया था, इसे अर्लियर जो साइंटिस्ट थे वो बायोलॉजिकल टाइप्स कहते थे। ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट एडेप्टेशन, प्लांट एडेप्टेशन जो होता है किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में, सीजन में सर्वाइव करने के बेसिस में, या कोल्ड और ड्राई जो सीजनल हो सकता है, सीजनल चेंजेस, उसके बेसिस में प्लांट को डिवाइड किया जाता है। तो मेजर जो होती हैं पोजीशन ऑफ बर्ड्स होती हैं इसकी, कि जो पेनेटिंग बर्ड्स है उसकी पोजीशन कहाँ पर है, तो फाइव टाइप्स दिए गए हैं जिसमें फेनेरोफाइट, कैमीफाइट, हेमिक्रिप्टोफाइट, क्रिप्टोफाइट एंड थीरोफाइट, ये फाइव मेजर जो है रॉन्कियर ने नेमिंग जो है की थी प्लांट्स की। फेनोलोफाइट की बात करते हैं, बर्ड बियरिंग इन द शूट। जैसे हम देखते हैं जो बड़े ट्रीज होते हैं उन ट्री की जो पेनेटिंग बर्ड होती है मोस्टली वो एयर में होती है और टॉप में होती है, तो इसके बेसिस में भी हाइट के बेसिस प्लांट को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मेगा फेनोलोफाइट, ऐसे प्लांट जिनकी हाइट मोर देन 30 meters होती है। मीजोफेनोलोफाइट, अगर हाइट 8 to 13 meters के बिटवीन है तो हम उसको मीजोफाइट की कैटेगरी में रखेंगे। माइक्रोफेनोलोफाइट, अगर हाइट 2 to 8 meters है, 2 to 8 meters की हाइट अगर है तो माइक्रोफेनोफाइट कैटेगरी में रखेंगे। एंड नैनोफाइट, अगर लेस देन 2 meters है, मीन्स छोटे प्लांट्स अगर हैं तो उनको हम नैनोफेनोफाइट कंडीशन में रखेंगे। कैमीफाइट, इनकी पेनेटिंग बर्ड जो होती है अबव द ग्राउंड 0.25 meters, यानी सॉइल जो लेवल है, ग्राउंड लेवल है, उससे जस्ट 0.25 meters की हाइट में इनकी पेनेटिंग बर्ड देखने को मिलेगी। पेनेटिंग बर्ड प्रेजेंट एट ग्राउंड लेवल। हेमिक्रिप्टोफाइट जो होते हैं इनका पेनेटिंग बर्ड ग्राउंड लेवल पे ही देखने को मिलता है। क्रिप्टोफाइट जस्ट बीनीथ द ग्राउंड लेवल, जहां पर ग्राउंड लेवल होगा उसके जस्ट नीचे हमको इसकी पेनेटिंग बर्ड जो है देखने को मिलेंगे। जैसे हम अक्सर देखते हैं एलियम सेपा, प्याज, इनकी जो बर्ड्स होती है जस्ट बीनीथ द ग्राउंड होती है। एंड थीरोफाइट, थीरोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, और शॉर्ट लाइफ साइकिल की वजह से ही ये जो कंडीशन है बहुत जल्दी अपना साइकिल पूरा कर लेते हैं, और मोस्टली अपना जो हार्श कंडीशन का टाइम है उसको सीड के फॉर्म में पास करते हैं, और जैसे ही कंडीशन निकल जाती है, फिर से फेवरेबल कंडीशन आती है, ये सीड जनरेट करके नए प्लांट्स फिर से बना लेते हैं, इनको हम थीरोफाइट्स कहेंगे। तो डायग्राम से हम देखते हैं इसमें कि फेनोलोफाइट हम देख रहे हैं कि बड़े प्लांट्स है, देखिए तो फेनोलोफाइट में हमने कहा कि जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे, हाइट पे होती हैं टॉप में। दूसरा कैमीफाइट, कैमीफाइट में जस्ट ग्राउंड के 2-5 meters ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है। फिर थर्ड हेमिक्रिप्टोफाइट, अबव द ग्राउंड मीन्स ग्राउंड लेवल पे ही लगभग देखने को हमको मिलेंगी हेमिक्रिप्टोफाइट करेंगे, तो क्रिप्टोफाइट में जस्ट बीनीथ द ग्राउंड, ग्राउंड के जस्ट नीचे। इस तरीके से रॉन्केस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था हम डायग्राम से समझ सकते हैं। एंड क्रिप्टोफाइट की बात, तो पार्ट 10 में मैंने क्वेश्चन दिया था, कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था, द फॉलोइंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल 5 ट्री स्पीसीज, जो ट्री की स्पीसीज दी गई हैं ABCDE, और इनके नंबर दिए गए हैं। बेस्ड ऑन द अबव द सिम्पसन डाइवर्सिटी DS इंडेक्स ऑफ द कम्युनिटी विल बी, इसका आंसर हमको निकालना है। अब देखते हैं सॉल्व करके। तो हमने 5 स्पीसीज ली ABCDE, अब यहाँ पर स्मॉल n यानी पर्टिकुलर स्पीसीज के नंबर जो होते हैं वो ले लिया, जो हमको दिया गया है टेबल पे, और n मतलब कैपिटल n मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज सभी को मिलाकर कितना होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद सबको कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला हम निकालेंगे n इंटू n माइनस 1 हर एक स्पीसीज के लिए। तो फर्स्ट के कैलकुलेशन करेंगे 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 2450 हमारा आंसर आएगा। फिर इस तरीके से 20 के लिए भी हम सॉल्व करेंगे और 5 के लिए भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबको हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज सभी को मिलाकर हमारा कैपिटल n का वैल्यू आएगा 100, और n इंटू n माइनस 1 का वैल्यू कुल मिलाकर हमारा आएगा 3250।
तो हमको दो जो वैल्यू चाहिए होती है वो मिल गई है 3250 और कैपिटल एन यानी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज के नंबर्स कितने हैं कैपिटल एन की वैल्यू। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन इंटू कैपिटल एन माइनस वन। तो हमको स्मॉल एन एन माइनस वन की वैल्यू 3250 मिली है और कैपिटल एन की वैल्यू 100 मिली है। अब इसको हम कैलकुलेशन में रखते हैं 3250 डिवाइड बाई 100, 100 माइनस 1। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 3250 डिवाइडेड बाई 9900 हमारा आंसर आएगा। अब इसको हम निकालेंगे कैलकुलेशन करके तो हमारा फाइनल जो आंसर आता है 0.328 आता है। तो जैसा हम मैथ से पढ़ते थे कि अगर हम तीसरे नंबर को छोड़ना चाहें तो एक सामने वाले नंबर को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया 8 को यहाँ पर छोड़ दिया और 2 को 3 में कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनल जो हमारा आंसर आया वो कितना है 0.33। अब वापस हम क्वेश्चन पे जाके देखते हैं तो क्वेश्चन में हम लिखेंगे बेस्ड ऑन द अबव द सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स ऑफ द कम्युनिटी विल बी। तो देखिए हमारा आंसर कितना आया 0.33। देखिए बी एंड डी दोनों के भी क्लोज आंसर दिए हुए हैं तो थोड़ी मिस्टेक हुई तो हमारा आंसर भी चेंज आ सकता है और हमारे ऑप्शन में दिया गया है तो हमको एक्यूरेट कैलकुलेशन करना होगा ताकि मिस्टेक्स ना हो। तो हमारा आंसर जो है वो बी सही आएगा। ठीक है तो आज के लिए इतना काफी है। आप लोग पढ़ें इसमें और जो भी कंफ्यूजन होता है मैं फिर से कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में।